हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा एनिमल किंगडम से रिलेटेड। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स एग्जांपल्स दिए होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड में तो खैर 11th आती नहीं, सॉरी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। आपको फाइलम का ऑर्डर याद करने का तो ट्रिक पता, मतलब ऑल ओवर हायरार्की का ऑर्डर याद करने की तो ट्रिक पता ही होगी, की पॉट क्लीन और फैमिली गॉड सिक। ये तो सिर्फ ऑर्डर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जितने भी फाइलम हैं अब हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, उसको हम कैसे याद करेंगे ऑर्डर वाइज। तो जैसे हमारा पहला फाइलम है पॉरीफेरा, फिर सीलेंटरेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो हम इसको कैसे याद करेंगे ऑर्डर वाइज, क्योंकि ऑर्डर वाइज याद करना कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी हेल्प करता है हमें कि हमें उस पेज के एग्जाम्पल याद आते हैं, हम पेज वाइज याद कर ले। तो इस तरह से हम पूरे इस फाइलम्स को सबको कैसे याद करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है पुलिस पी कॉच कपल कॉट कपल इन। इनको हमें कोई वर्ड कोई उससे फाइलम नहीं बनना, फिर इनको हमें इसलिए छोटा लिखना है। इन पामे हासी, पामे हासी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि चाइनीज गार्डन है जिसका नाम है पामे हासी। पुलिस कॉट कबल इन पामे हासी। तो इस तरह से पुल, और हमें पामे हासी में याद रखना है 3 A है, ए का बस हमें याद रखना है कि 3 A है। तो डेट इज पुलिस पॉरीफेरा कॉट सिलेंटरेटा कपल टीनोफोरा पामे हासी पा प्लेटीहेलमिंथिस ए एस्कलमिंथिस एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। ए को हमें बस याद रखना है 3 तरीके से, आर्थ्रोपोडा, एम से मुलास्क मुलास्का, फिर ई से इकाइनोडर्मेटा, ह से हेमिकॉर्डेटा और सी से कॉर्डेटा, पामे हासी कॉर्डेटा। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं फाइलम्स के पूरे ऑर्डर को। इसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे हम देखेंगे पॉरीफेरा के एग्जाम्पल सिर्फ 3 है, इसको आसानी से याद करा जा सकता है, साइकोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, बहुत सुन। पर जो सिलेंटरेटा और निडेरिया के एग्जाम्पल्स है वो 5 है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इसको कैसे याद करें, जैसे है फिसेलिया, एडेम्सिया, पेनेंटुला, गर्गोनिया और मेंड्रिना। तो इनके कॉमन नेम्स है, जैसे फिसेलिया का पोर्टुगूज मैनोफोर, एडेम्सिया का सी एनिमोन, पेनेंटुलू का सी पेन, गोरगोनिया का सी फैन, मिनेंटरिन का ब्रेन कोरल। तो हम कैसे याद करेंगे, पा पी पी से पेनेंटुला पा फिसेलिया, पा ए से एडेम्सिया, पा पी घोर मंदबुद्धि, घोर से गोरगोनिया, मंदबुद्धि मेंड्रिना। इसको हम ऐसे भी याद कर, मंदबुद्धि में बुद्धि आ रहा है तो बुद्धि से हम इसे ब्रेन कोरल भी याद कर सकते हैं। मेंड्रिना का जो कॉमन नेम है वो ब्रेन कोरल है। तो हम इस तरह से सिलेंटरेटो को याद करेंगे। बाकी को याद करने को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बाकी को कैसे याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। इसकी हम कुछ डिविजन्स और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रो वगैरह थोड़ा समझा दूंगा मैं आपको, इसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करूँगा और मैं आपको ट्रिक बताऊँगा इसके एग्जाम्पल्स की, कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स को हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे वर्टिब्रेटा के जो 2 डिवीजन होते हैं, एगेनिथा और गेनेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा इसमें क्या किस बेसिस पे होते हैं, लेग्स जॉ बियर्स जॉ, एक जॉ को लेग करता है एक बियर करता है। इसकी सुपर क्लास है पीसिस टेट्रोपोडा, इसकी क्लास है एक ही सिर्फ साइक्लोस्टोमा, जिसमें जॉ ही नहीं होता, हमारे जो टीथ वगैरह ये पूरा जॉ का जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा फेस है नीचे के साइड पूरा जॉ का ऊपर, ये पूरा हिस्सा नहीं होता इसका। ये क्लास होती है इसकी साइक्लो स्टोमेटा। तो इस वाले में इसके फिन्स होते हैं और इसमें इसके लिम्स होते हैं, वो भी टेट्रापोडा, टेट्रा से ही समझ आ रहा है, 4 लिम्स वाले, टेट्रापोडा, पोडा मतलब लिम्स होता है। तो इसमें लिम्स होते हैं, इसमें 4 हमारी क्लासेज है एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमा, तो साइक्लोस्टोमा को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो फिशेज होती है
उनके ऊपर छोटी छोटी फिशेज चिपकी होती है, जो उनके बच्चा कुचा जो उनके उन्होंने मुंह से तोड़ा, वो पीछे मूव जब वो स्विम करते हुए मूव ऑन कर पीछे की तरफ गिर गया है, चला गया, वो वहां से खा लेती है या उनके ऊपर शक करती रहती है। तो ये उनके साथ साथ ही उनके एक्टोपैरासाइट होती है, बाहर की तरफ उनकी स्किन की तरफ लगी होती है। तो ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट होती है, इस क्लास में मोस्टली फिशेज होती है। तो एलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं इसमें। गिल स्लिट्स मतलब जहाँ से वो रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है, आपको पता ही होगा फिश का, जहाँ से वो क्या बोलते हैं वाटर अंदर लेके गिल से और उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती है। वो गिल से होती है, गिल स्लिट्स उसके स्लिट्स होते हैं ऐसे स्लिट्स स्लिट्स वो फॉर रेस्पिरेशन। इसके सकिंग और सर्कुलर माउथ होते हैं। अब किसी के एक्टोपैरासाइट किसी के ऊपर है, जैसे हमारे अलग अलग एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, लीच होते हैं, लीच का जैसे माउथ देखा होगा आपने, ऐसे स्किन पे रखते हो तो वो सक करने लगता है ब्लड, ऐसे सकिंग माउथ होता है इनका दूसरी फिशेज की, क्योंकि दूसरी फिशेज के ऊपर रहते हैं, उस हिसाब से इनका अडेप्ट कर रखा है इन्होंने अपने आप को। तो और देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, कोई स्केल्स नहीं होता और पेयर्ड फिन्स नहीं होते इनके पास। इनके क्रेनियम वर्टी एंड वर्टिब्रल कोलाम्स आर कार्टिलिजेंस। इनके जो क्रेनियम मतलब ब्रेन साइड का और जो वर्टिब्रल कॉलम पूरा साइड होता है वो कार्टिलेजेंस होता है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है इनमें। और ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं मोस्टली मरीन होते हैं, सी वाटर होते हैं, पर जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, बर्थ देने का टाइम आता है, तो ये स्पॉन ये वहाँ पे चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और वहाँ दे के मर जाते हैं, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह बहुत डिफरेंस होता है सी वाटर फ्रेश वाटर का। तो इनकी बॉडी बियर नहीं कर पाती, स्किन फटने लग जाती है और ये मोस्टली सारे मर जाती हैं, ये रह नहीं पाती फ्रेश वाटर में, क्योंकि ये सी वाटर में अडेप्ट होती हैं, सी वाटर के हिसाब से अडेप्ट होती है। तो इसके बाद मेटामॉर्फोसिस करके इनके लार्वा फ्रेश वाटर से फिर से ओशन में चले जाते हैं। तो इसमें दो एग्जाम्पल हमारे देखे, पेट्रोमाइसिन और माइक्सिन। इसके मैं याद करने का तरीका हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हमारी क्लास आती है कॉन्ड्रिक थाइस। क्लास कॉन्ड्रिक थाइस में क्या होता है, नोटोकोर्ड प्रसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकोर्ड बाद में हटती नहीं है, कुछ और नहीं बंद वर्टिब्रा वगैरह बनती, नोटोकोर्ड पूरी थ्रू आउट लाइफ प्रसिस्टेंट रहती है इसकी। और एंड गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं पर विदाउट ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम मतलब होता है उनका गिल का कवर, जो गिल्स होते हैं ये गिल्स इनके ऊपर कवर होता है ऑपरक्यूलम, वो इसमें इस क्लास में प्रेजेंट नहीं होता। और इसके जो स्केल्स होते हैं, इसमें दो तरह के बेसिकली स्केल्स, इसमें एक तरह के स्केल्स होते हैं प्लेकॉर्ड स्केल्स, और दूसरे वाले जो हमारे होते हैं साइक्लोड, दो तरह के स्केल होते हैं। प्लेकॉर्ड बहुत छोटे होते हैं, प्लेकॉर्ड एक तरह से टीथ का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है, जैसे हमारा एनामल होता है अंदर पल्प होता है, ऐसे इनके पूरे जो प्लेकॉर्ड स्केल्स होते हैं इसमें पूरे ऐसी पार्ट्स होते हैं, पर ये पूरे इनकी पूरी बॉडी पे स्किन के ऊपर होता है। आपने फिश को देखा होगा कहीं मार्केट वगैरह में, ऐसे ऐसे कुछ कांटेदार ऊपर ऊपर लगा होता है ना स्केल्स की तरह। तो इसके छोटा मोटा फंक्शन होता है कि वो उसको स्विम में हेल्प करता है, जो उसका ड्रैग होता है वाटर ड्रैग होता है, वाटर फ्रिक्शन होता है, उसमें हेल्प उसको स्विमिंग में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। इसका छोटा सा फंक्शन ये है प्लेकॉर्ड स्केल्स का। और थोड़ी कुछ फिशेज में ये उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, क्योंकि हार्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है कुछ फिशेज में। तो इनके क्या बोलते हैं, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, पावरफुल जॉज होते हैं इसमें हमारे, जैसे कि शार्क आते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क तक आती है, तो जॉज वगैरह। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, एयर ब्लैडर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसमें जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है तैरते हुए फिशेस को, कि जब स्विम करती है तैरती है तो उन्हें लगातार स्विम नहीं करता, एक ऑर्गन जिसमें एयर भरी रहती है, तो उससे वो ऊपर पानी में ऊपर रहते हैं। पर इस क्लास में क्या होता है कॉन्ड्रिक थाइज में, कि एयर ब्लैडर नहीं होता, ये ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसलिए इन्हें लगातार स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। अगर ग्रेट व्हाइट शार्क भी स्विम करना बंद कर देगी तो वो भी डूब जाएगी। तो ये इनका एक फीचर होता है, या कुछ भी आप मान सकते हैं, एक फीचर होता है इनका। इन्हें कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है डूबने से बचने के लिए। तो हर्ट टू चैम्पर्ड होता है, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, किसी किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जैसे आपने देखा होगा टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को जो इलेक्ट्रिक ईल होती है,
टॉर्पीडो हो गया वो, एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, सब में कांटे होते हैं, कांटे इन द सेंस कि पॉइजनस होते हैं, वो काट ले तो पॉइजनस होते हैं या पॉइजनस स्टिंग, उनकी बॉडी पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉइजनस, जैसे ट्राइगोन में हो गया। और ये कोल्ड ब्लड होते हैं, मतलब कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते बाहर के हिसाब से, अगर बाहर ठंडा है तो इनका भी ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, गर्म है तो उसी के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हमारे में क्या होता है, हमारे में हम वार्म ब्लडेड रहते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं अपना अपने आप को। इसके बाद क्या होता है, जो मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, जो मेल उसके पेल्विक फिन्स होते हैं पीछे की तरफ जो फिन्स होते हैं उनमें क्लास्पर्स होते हैं, वो उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, वो फीमेल को क्लास ऐसे पकड़ने में, क्लास्पर्स होते हैं इसमें पेल्विक फिन में। और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मैनी ऑफ देम आर विविपोरस, बहुत से इसमें विविपोरस भी है, शायद ग्रेट वाइट शार्क भी विविपोरस है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस और ग्रेट वाइट शार्क, स्टिंगरे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम लर्न करने की ट्रिक मैंने बना रखी है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। इसके बाद जो हमारा आता है ऑस्टियोथाइस, ऑस्टियोथाइस में क्या होता है, इसके जो गिल्स, इससे जो मैं अलग है वो बता देता हूँ। मोस्टली ये बहुत ही मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, बोनी एंडी स्केलेटन होता है, एंड ये बोनी फिशेस भी कहा जाता है ऑस्टियोथाइस को। बोनी फिशेस क्यों, क्योंकि इनमें कार्टिलेज की जगह इनकी फिश इनकी बोन इनकी जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है एयर ब्लैडर, बोन्स भारी होती है कार्टिलेज के मुकाबले, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है इनको तैर ताकि ये स्विम करती रहे, तैरती रहे पानी में, नीचे डूबे ना, जिसे एयर ब्लैडर मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको बियॉन्सी प्रोवाइड करता है। इनका भी हॉर्ड टू चैम्पर्ड ही होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है, और इसमें मोस्टली ओविपेरस होता है, जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन के बाद जो बर्थ लेते हैं वो ओविपेरस तरीके से लेते हैं, मोस्टली एग्स के थ्रू करते हैं, ये विविपेरस डायरेक्टली डायरेक्टली बर्थ नहीं देते। तो इसके बाद इसके जो एग्जांपल्स है उसको हम देख लेते हैं, मरीन, फ्रेश वाटर, क्लैरियस एक्वेरी एक्वे मरीन में जो रहते हैं उसके दो एग्जांपल है फ्रेश वाटर और एक्वेरियम के, ये तीन क्लासेस हमने पढ़ लिया। अब इसके हम एग्जांपल्स की ट्रिक देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स को हमें कैसे लर्न करना है। तो आइए देखते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस। सबसे पहले हमारा साइक्लोस्टोमेटा के दो एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। तो इसको हम साइको पीएम से भी याद रख सकते हैं, कोई संकी पीएम आया है जिसने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, कोई भी ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। संकी संकी मतलब साइको, साइको से सी हमें याद रहेगा, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है पीएम, पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन, जिसने पेट्रोल के मतलब पेट्रो से पेट्रोमाइजोन याद रहेगा, और एम से माइक्सिन। माइक्सिन का एग्जाम्पल आपको हैग फिश याद करना होगा, MH, मैं महाराष्ट्र का होगा, पी जो CM होगा कुछ भी होगा, MH करके आप याद सकते हैं माइक्सिन हैग फिश। अब पेट्रोमाइजोन, पहले क्या होता था लैम्स वगैरह डीजल कैरोसिन पेट्रोल वगैरह की वो छोटी सी डिब्बी होती थी, उसमें कुछ भी फ्लेमेबल डाल के उसमें बत्ती लगा के पहले बना दिया जाती थी, जब लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी घरों में। तो इस तरह आपको याद रखना है पेट्रोमाइजोन पेट्रोल से लैम्प, लैम्प्रे। तो इस तरीके से आप इसकी ये एग्जाम्पल साइक्लो स्टोमेटा के आ सकते हैं। अब आता है हमारा कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्टियोथाइज। कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्टियोथाइज के जो एग्जाम्पल्स लर्न करने की ट्रिक है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, इसी के जो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो लास्ट पार्ट में हमने बात कर ली थी साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल्स की, और सब समझ लिया था तीनों क्लासेस को। अब मैं उसके एग्जाम्पल्स को कैसे लर्न करना है, कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्टिकथाइज, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कॉन्ड्रिक्थाइज के एग्जाम्पल और ऑस्टिकथाइज के एग्जाम्पल्स को हमें कैसे लर्न करना है। पहले हम समझ लेते हैं अगर एक साथ एग्जाम्पल्स लर्न करना है, फिर उनके कॉमन नेम्स भी बहुत, साइंटिफिक नेम प्लस कॉमन नेम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो पूरे एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ड्रिक्थाइज के उसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको हम याद रखेंगे कॉन्ड्रिक्थाइज के एग्जाम्पल्स को, स्कूल, प्रिस्ट, सीटी मारे। स्कूल में प्रिस्ट है, कोई मिशनरी है, क्रिश्चन वाले स्कूल है, उसमें एक प्रिस्ट होता है, देखा होगा आपने।
प्रिस्ट वगैरह होता है, तो स्कूल प्रिस्ट सिटी मारे, इससे याद रखेंगे तो स्कॉलियोडॉन प्रिस्टिस कार्केरेडॉन और ट्रायगोन, स्कूल SC से स्कूल हो जाएगा, प्रिस्ट CT, C से कार्केरेडॉन, T से ट्रायगोन, तो स्कूल ऐसे याद रख लेते हैं, स्कूल स्कूल प्रिस्ट CT मारे, ठीक है। तो स्कॉलियोडॉन, जिस दोनों में डॉन आएगा, डॉन से क्या इस वर्ड से हम समझ सकते हैं, जिस चीज़ से हमें डर लगता हो, डॉन एक ऐसा शख्स होता है जिससे हमें मतलब डर लगता है, सुन के डर लगता है, तो ये जिसमें दोनों में डॉन है, एक तरह की शार्क की स्पीसीज ही है, एक है डॉग फिश, एक है ग्रेट वाइट शार्क, तो कार कह रहे डॉन, एंड में डॉन आएगा तो हमें याद रहेगा ये शार्क होगी, ठीक है। अगर स्कॉलियोडॉन है तो वो डॉग फिश होगी, और कार कह रहे डॉन है तो ये ग्रेट वाइट शार्क होगी। अब बात करते हैं प्रिस्ट और ट्राइगोन को, ट्राइगोन की एक स्ट्रिंग रे, एंड में इसके स्ट्रिंग होता है, मतलब चुभोने वाला है ऐसे, उसका पार्ट होता है जो स्टिंग, मतलब आपको एकदम डंक मारने के लिए जैसे यूज़ होता है, जैसे बिच्छू में होता है स्टिंग, ऐसे ही इसकी इस फिश में भी स्टिंग होता है, तो स्टिंग रे होती है हमारी ट्राइगोन, याद रखेंगे। प्रिस्ट हमें याद रखना है, प्रिस्ट है कोई फादर है कोई, वो लकड़ी काट रहा है, लकड़ी किससे काटते हैं हम, सॉ से, सॉ मतलब कि जो लकड़ी काटने के काम आता है, सॉ आपने देखी होगी, आरी होती है जो, तो आप इस फिश की शेप भी देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो इसके आगे की शेप सॉ की तरह ही है बिल्कुल, जैसे लकड़ी काटने वाले आरी होती है उसकी तरह, तो इससे इसका नाम सॉ फिश, प्रिस्ट सॉस हम याद रखेंगे, प्रिस्ट सॉ फिश, स्कॉलोडॉन डॉग फिश, कार्केरेडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ये तो याद ही रहेगा, डॉन है जिसमें दोनों शार्क है, पर एक का नाम डॉग फिश है, एक का ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन याद हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके एग्जाम्पल्स याद कर लिए कॉन्ड्रिक थाइस के, और कॉमन नेम भी समझ लिए, समझ के आपको याद करना है, एक बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब हमारे ऑस्टिक थाइस में दो तरह के आते हैं, एक मरीन एक फ्रेश वाटर। सबसे पहले मरीन में हमारे दो एग्जाम्पल है, ई और एच, ई से एक्सोसीटस हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस जो होती है वो फ्लाइंग फिश होती है, फ्लाइंग फिश इसके जो फिन्स होते हैं आगे के, ये बर्ड के आप देखोगे तो विंग्स की तरह बन जाते हैं, ये कुछ कुछ मीटर तक, कुछ मीटर तक ऐसे जंप मारते हैं फ्रेश वाटर में, आपने डिस्कवरी वगैरह या बाकी चैनल्स पे देखा होगा, फिश पानी के ऊपर उठ गई, उसको बियर वगैरह पकड़ रहे हैं खाने के लिए, तो ये आप देख रहे होंगे, ये होती है फ्लाइंग फिश, मतलब थोड़े उनके फिन्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े, जैसे ये फिश हो गई तो उनके फिन्स इतने काफ़ी बड़े होते हैं ताकि ये थोड़े कुछ मीटर तक फ्लाई कर सके, जंप कर सके एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको ये हमारी फ्लाइंग फिश। एक्सो मतलब बाहर पानी से, एक्स मतलब होता है बाहर, एक्सटीरियर इंटीरियर से याद रखेंगे, एक्स मतलब बाहर, जो फिश पानी से बाहर जा रही है मतलब वो फ्लाई कर रही होगी, इसका मतलब एक्सोसीटस जो है वो फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस आपको बचपन से सी हॉर्स होता है याद होता है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। अब फ्रेश वाटर में हमारे बहुत सारे कॉमन फिशेज आती है इंडिया की, लेबियो, कैटला, क्लैरियस, मेगर, कैटला, रोहू, रोहू और कैटला, ये सब तो खाने के जो मोस्ट कॉमन फिश पाई जाती है फ्रेश वाटर, जिन्हें पालते हैं खाने के लिए, रोहू और कैटला इंडिया में बहुत पाई जाती है जो खाई जाती है, तो लेबियो हो गया, रोहू, कैटला, तो कैटला सेम ही है कॉमन नेम, और ये लेबियो को याद रखना है रोहू से, LR रोहू से, तो इसको आप फ्रेश वाटर वाली को LCC से, लेबियो कैटला क्लैरिस, LCC, ठीक है, LCC लेबियो कैटला क्लैरियस, क्लैरियस मगर हो गया, कॉमन ये याद रहेंगे, रोहू कैटला मगर, ये तीनों कॉमन फ्रेश वाटर है जो खाने के उसमें भी आती है। एक्वेरियम की दो आ जाती है, BP BP बेटा, एक्वेरियम में कौन सी फिशेज रखेंगे हम, एक्वेरियम में वो फिशेज आती हैं जो काफ़ी सुंदर होती है, दिखने में अच्छी लगती है, इसे हम ऐसे डेकोरेटिव पर्पस घर में एक्वेरियम लगाते हैं, छोटा पॉट रखते हैं, तो उसमें हम ऐसी फिशेज रखना चाहेंगे जो काफ़ी सुंदर कलरफुल हो, तो ये दोनों काफ़ी कलरफुल होती है, बेटा हो गई हमारी, और पेट्रोफाइलम एंजल फिश, एंजल फिश मतलब एंजल मतलब दिखने में सुंदर होती है, तो एंजल फिश से पेट्रो, एंजल फिश से समझ आ रहा है ये हमारी एक्वेरियम, एक्वेरियम वाली फिश होंगी, बेटा और पेट्रोल, इस तरीके से मैंने आपको कुछ तरीके बताए, इसको आप एक और दो बार लिख के देखेंगे तो आपको इसके सारे एग्जांपल्स और कॉमन नेम याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लार्वा जो है हमारे फिशोला जो प्लेटीअलमेंथिस के अंदर फिशोला हेपेटिका एंटीनिया सोलियम के जो लार्वाज है उनको आप कैसे याद रख सकते हैं, उनके जितने भी लार्वास हैं उनको मैं आपको एक निमोनिक के थ्रू, एक ट्रिक के थ्रू आपको याद करने बताऊंगा। अगर आपको भी दिक्कत होती है इसको लर्न करने में, इसके लार्वास को, तो इस वीडियो को देखिए, मैं आगे बताता हूँ आपको कि आप कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं फिशुला
हेपेटिका के अंदर जो लार्वाज होते हैं हमारे, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटा सर्केरिया। तो इसको याद करने की जो मेरा निमोनिक है वो क्या है, मीरा स्पॉट्स रेड सर मेहता। मीरा एक लड़की है, उसने स्पॉट किया, उसके कोई सर है मेहता, उनको स्पॉट किया है रेड। रेड मतलब लाल, वो मतलब उसके कोई एग्ज़ाम था, उसका अच्छा नहीं गया, जो उसके सर है वो उससे गुस्सा है क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे। तो मीरा स्पॉट्स रेड सर, रेड मतलब गुस्से में लाल है, मीरा स्पॉट्स रेड सर मेहता। मीरा, या फिर आप स्टेडियम भी लगा सकते हैं अगर आपको मीरा स्टेडियम पूरा लर्न करने में दिक्कत आती है, तो मीरा इन स्टेडियम स्पॉट्स रेड सर मेहता। तो मीरा से आपका मीरा सीडियम हो जाएगा, स्पॉट से स्पोरोसिस्ट हो जाएगा, रेड से रेडिया हो जाएगा, सर से सरकेरिया हो जाएगा, और मेहता से मेटा सरकेरिया हो जाएगा। मेटा है, सरकेरिया पहले था ही, मेहता के मेटा से मेटा सरकेरिया। तो इस तरीके से आपको लार्वास लर्न हो जाएंगे, फेशियोला हेपेटिका के सारे जितने भी है वो। तो ये हमने देख लिया फेशियोला हेपेटिका का। जो मेरा अगला है निमोनिक वो है टीनिया सोलियम के लिए। तो आइए देखते हैं टीना सोलियम के कैसे आप एक जो लार्वाज है उनको लर्न कर सकते हैं। इसमें तीन ही लार्वाज है मेन, ऑंकोस्फेयर, हेक्सागन और सिस्टी सर्कस। तो अगर आपको ये भी लर्न करने में दिक्कत आती है तो इसके लिए भी निमोनिक है टीना, उनको हर बार सिस्टी सर्कस ले जाना। कोई टीना नाम की लड़की है, उनको आप बोल रहे हो, उनको किसी को बोल रहे हो, उनको हर बार सिस्टी सर्कस। कोई सर्कस है आपके शहर में जिसका नाम, जो सृष्टि के नाम से है, सृष्टि सर्कस, उस सर्कस का नाम क्या है, सृष्टि सर्कस ले जाना। तो तीनों से आपको टीनिया सोलियम याद रहेगा, उनको से ऑंकोस्फेयर याद रहेगा, हर बार से एच ई से आपको हेक्सागन याद रखना है हर बार, ठीक है। और बार के बी से आप ब्लैडर वॉर्म भी याद रख सकते हो, जो कि हमारा अगला है। सृष्टि सर्कस से आपको सृष्टि सर्कस याद रखना है, सृष्टि सर्कस से सृष्टि सर्कस जो इसके लार्वा का नाम होगा हमारा, सृष्टि सर्कस ये आपको लर्न रखना है सृष्टि सर्कस से। तो टीना उनको हर बार सृष्टि सर्कस ले जाना। इस तरीके से आपको जो मेन प्लेटिकल में इसमें थे फिशुला हेपेटिका और टीनिया सोलियम, दोनों के ही आपको जो है लार्वास लर्न हो गए। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाला हूं आपकी जो हमारी क्लास है रेप्टिलिया मैमल के अंदर, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो एग्जांपल्स में क्या होता है, एक कॉमन नेम है और एक साइंटिफिक नेम है, तो इन दोनों में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसके कॉमन नेम एक स्टोरी की तरह आप माइंड में इसको साथ साथ रिपीट करेंगे एक दो बार, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे इनके कॉमन नेम भी और इनके साइंटिफिक नेम भी, जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल से। सबसे पहले बात करते हैं टर्टल की, जो कछुआ होता है उसकी, उसको बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है चिलोन, चिल ऑन। आपको दो वर्ड याद रखें, टॉर्टोटाई जो हमारा टर्टल होता है, टर्टल पानी में रहता है, पानी में ठंडा रहता है, तो वो चिलोन करता है, चिल ऑन टर्टल। और टर्टल जो कछुए में फ़र्क क्या होता है, जो टर्टल होता है वो पानी वाला कछुआ होता है और जो टॉर्टोइज होता है वो ज़मीन पे रहता है। तो टर्टल पानी में रहता है, चिल आउट, पानी ठंडा होता है तो वो चिल आउट कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये पानी है, तो ये पानी होता है तो वो चिल आउट करता है, चिल आउट से चिल ऑन। आपको याद रखना है कि जो टर्टल है उसका साइंटिफिक नेम चिल ऑन है। आइए इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपना रेप्टिलिया का, दूसरा हमारा टॉर्टोइस। जो टॉर्टोइस होता है, जमीन पे रहने वाला कछुआ जो होता है उसको टॉर्टोइस बोलते हैं, उसको टेस्टूडो उसका साइंटिफिक नेम है। तो कछुए होते हैं काफ़ी समझदार होते हैं, हमें ऐसे याद रखना है, कछुए काफ़ी समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और टेस्ट देने जा रहे होते हैं। पर आपको ऐसी माइंड इमेज बनानी होगी, जो कछुआ है वो पढ़ा लिखा है, चश्मा वश्मा लगा रखा है और वो टेस्ट देने जा रहा है। तो टॉर्टोइस का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा टेस्ट टू दो। तो आपको याद रहेगा टेस्ट देने जा रहा है तो टेस्ट टू दो उसका साइंटिफिक नेम है। तो इस तरीके से मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स कवर करा दिए, आगे भी बाकी भी हमारे एनसीईआरटी में जितने दे रखे हैं सारे, आगे उसके बारे में बात करेंगे।
अगला आता है हमारा कॉमन नेम ट्री लिजर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है कैमेलियन। तो कैमेलियन तो हम सारे ही जानते हैं इसको साइंटिफिक नेम से ही, तो इसका हमें बस कॉमन नेम याद रखना है जो होता है ट्री लिजर्ड। तो ट्री लिजर्ड कैसे याद रखेंगे, कैमेलियन आपको याद रखना है पेड़ पे होते हैं, तो आपको पेड़ से ट्री लिजर्ड उसका याद रखना चाहिए, ऐसी छिपकली जो पेड़ पे होती है, तो उसका कॉमन नेम ट्री लिजर्ड उसको बोलते हैं कैमेलियन को। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैलोटिस। कैलोटिस होती है हमारी, जिसका कॉमन नेम है गार्डन लिजर्ड। तो आपको कैलोटिस से याद रखना है, कैलोटिस गार्डन है कोई जहाँ पे ये रहती है, आपको कैलोटिस गार्डन से याद रखना है कि कैलोटिस गार्डन। तो कैलोटिस जो होती है हमारी गार्डन लिजर्ड कॉमन नेम है, उसका साइंटिफिक नेम कैलोटिस है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम ऐसी, क्रोकोडाइल की बात करते हैं। क्रोकोडाइल का सेम है साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस है, बस हमारा कॉमन नेम उसको क्रोकोडाइल बोलते हैं और उसका बस साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस। तो ये तो एज इट इज़ आपको याद बड़ी आसानी से रह सकता है। अब कई बार फ़र्क पूछते हैं लोग कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या फ़र्क होता है, तो बेसिकली क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या फ़र्क होता है, क्रोकोडाइल बड़े होते हैं एलिगेटर के मुकाबले में, दिखते सेम से हैं पर क्रोकोडाइल बड़े होते हैं और उनका जो स्नाउट होता है आगे आगे बिग नोज होती है, स्नाउट बोलते हैं इसको, जो स्नाउट होता है वो आपका वी शेप्ड होता है क्रोकोडाइल में, ऐसे इसकी शेप वी शेप्ड होता है। और एलिगेटर के अंदर जो होता है वो हमारा थोड़ा सा यू शेप्ड होता है, जो उनका स्नाउट होता है, बस स्नाउट का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस, और दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से एलिगेटर का भी सेम है बिल्कुल साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम हमारा एलिगेटर है, साइंटिफिक नेम भी एलिगेटर ही है इसका। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, वो है वॉल लिजर्ड। वॉल लिजर्ड होती है जो आपके घरों में दीवारों पे जो छिपकली होती है उसको वॉल लिजर्ड बोलते हैं हम, छिपकली बोलते हैं उसको। तो उसका साइंटिफिक नेम होता है हेमिडेक्टाइलस। तो हेमिडेक्टाइलस से कैसे याद रखें कि जो उसकी पूंछ होती है वो आपको पता है टूटते ही अलग हो जाती है, आधी आधी हो जाती है, हैमी मतलब आधी। तो आपको याद रखना है एक वॉल लिजर्ड है, आपने उसको छुआ उसकी जो टेल थी वो ब्रेक हो गई हाफ हाफ में, तो उससे आपको याद रहेगा हैमी डेक्टाइलस, पूछ उसकी ब्रेक होती है और ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इक्वल, जिस तो उस वो हैमी होता है हाफ हाफ मतलब। तो आप वॉल लिजर्ड का याद रखेंगे साइंटिफिक नेम हैमी डेक्टाइलस, हैमी डेक्टाइलस। तो इस तरीके से आई होप आपको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों ही माइंड में सेट हो रहे होंगे। इसको 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे सारे ही कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। आगे बात करते हैं हम कोबरा नाजा। कोबरा जो है उसको हम बोल रहे हैं, उसका जो जो है हमारा कॉमन नेम है कोबरा, जो होता है फन फैलाने वाला सांप होता है आपने देखा होगा, उसका साइंटिफिक है नाजा। तो आप तो इसको ऐसी एक लाइन के थ्रू याद रख सकते हैं, कोबरा नाजा या नाजा कोबरा, कोबरा तू अभी मत जा। तो कोबरा नाजा से आपको कॉमन नेम इसका कोबरा है और साइंटिफिक नेम नाजा है, बहुत ही आसान वर्ड है इसका साइंटिफिक नेम, तो आसानी से आई होप आपको याद हो जाएगा नाचा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका क्रेट। क्रेट कॉमन इंडियन स्नेक है, काफ़ी पॉइजनस होता है और इंडिया में 4th ऐसी स्पीशीज में आता है जिसकी वजह से हाईएस्ट डेथ होती है। तो इसको जो हमारा कॉमन नेम है उसका क्रेट है और जो साइंटिफिक नेम है वो बंगेरस है, बंगेरस है इसका साइंटिफिक नेम। तो आपको ऐसा याद रखना है जो क्रेट होता है काफ़ी कॉमन इंडिया में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कूड़े वाली जगहों में, कूड़े आपको ऐसा याद रखना है कि ये कूड़े वाली जगह में पाया जाता है, पाया नहीं जाता, बस आपको इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाने के लिए एक निमोनिक की तरह याद रखने के लिए आपको कूड़े कबाड़े में पाया जाता है ये स्नेक, कूड़े कबाड़े को बंगार, कबाड़े को हम बंगार भी कहते हैं, तो उससे याद रहेगा क्रेट का जो साइंटिफिक नेम है वो बेंगेरस है, कूड़े कबाड़े में रहता है, कूड़ा कबाड़ा मतलब बंगार, बंगार मतलब कि बेंगेरस उसका कॉमन नेम क्रेट है और साइंटिफिक नेम बेंगेरस है। इस तरीके से आई होप आपको याद हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं वाइपर। वाइपर स्नेक होता है, आप सबने सुना होगा वाइपर स्नेक, डिस्कवरी पे देखा भी होगा वाइपर स्नेक, उसका हमारा साइंटिफिक नेम है वाइपेरा। तो ये तो सेम ही है वर्ड, बिल्कुल एक ए ऐड है, तो ये तो आपको ऐसे ही एग्जांपल्स
इसका एग्जांपल कॉमन और साइंटिफिक नेम दोनों ही इस एग्जांपल का आपको याद हो गया होगा। तो ये एक तरीके से मैंने आपको रिवीजन कराया सारे एग्जांपल्स का जितने थे रेप्टिलिया में, आपकी रिवीजन भी हो गया एक बार सारे एग्जांपल्स का, और कॉमन और साइंटिफिक नेम में ट्रिक के थ्रू थोड़ा सा आपको आई होप कि लर्न होने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और उनको भी हेल्प करें ऐसी ट्रिक बता के ताकि वो भी इससे मदद ले पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज वैसे हम एनसीईआरटी के टेबल की बात करेंगे, एनिमल किंगडम की। मैंने आपको पहले भी बताया जो एनसीईआरटी के टेबल्स और एग्जांपल्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। टेबल्स हो गए, डायग्राम्स दिए हैं, एग्जांपल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाहे कोई भी टेबल हो। तो मैं इस टेबल के थ्रू आपसे कुछ बेसिक टर्म्स की बात करूँगा और इस टेबल को भी समझाते चला जाऊँगा साथ के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कह सकते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे सिंपल फॉर्म होती है सेलुलर लेवल पे, मतलब सेल्स एग्रीगेट होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट होकर एक टिश्यू लेवल बनाते हैं। टिश्यू लेवल बनने के बाद बहुत सारे टिश्यूज सिमिलर फंक्शन करने वाले एक साथ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऐसी ऑर्गन लेवल के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा, लाइक हमारा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन है, लीवर और हमारा स्टमक, ईसोफेगस, माउथ, टीथ, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पार्ट्स होते हैं। तो ये काफ़ी सारे टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक साथ एक ही प्रोसेस के लिए फंक्शन करते हैं, लाइक हमारा डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम ट्रांसफ़र करने के लिए सिग्नल्स, तो ये सब होता है। तो ये सब हमने समझ लिया है कि इनसे ये सब, अब हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको फाइलम की पहले भी ट्रिक बताई है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी एनिमल किंगडम वाली तो उसे देख लीजिए। तो इस फाइलम हमारे 11 दे रखे हैं, पुलिस कॉट कपल इन पामेहासी गार्डन। पामेहासी एक जगह का नाम है, ये मैंने ट्रिक बताई थी इन सबको एक साथ याद करने के लिए क्या ट्रिक है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। अगर यार ट्रिक नहीं देखी तो देखिए, इससे आपको समझ आएगा। तो जैसे कि यह हमें ये याद ही है, अब सबसे पहले एनिमल किंगडम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो दे रखे हैं, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। सबसे पहले जो बेसिक हमारा एनिमल था, जिसे कहते हैं बहुत ही बेसिक, वो सेलुलर लेवल पे था, वो था पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो हमारा था वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता था, मतलब उसमें सेल्स तो थे पर हर सेल अलग अलग काम करता था, उसका अलग अलग काम होता था, हर सेल का, सेल के अलग अलग काम है। तो इस तरह उसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से ये हमने पॉरीफेरा। अगला हमारे आते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब खाली जो टिश्यू वर्क करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा सीलन टेनेटा या निडेरिया में देखा जाता है। निडेरिया में यूजली हम इसको ही बोलते हैं, निडेरिया में टिश्यू लेवल देखा जाता है। इसके बाद सारे हमारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने सिमेट्री में बात करी, तो रेडियल सिमेट्री होगी, सेलुलर लेवल पे कोई सिमेट्री नहीं होगी, सेल को आप जहाँ से भी ले लो इरेगुलर शेप होती है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री हमारी टिश्यू लेवल से शुरू होगी, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल से। तो हमारी रेडियल सिमेट्री होगी या बाइलेटरल सिमेट्री होगी। रेडियल मतलब किसी उसको आप कहीं से भी काट दीजिए, लाइक ये स्पॉन्ज है, इसको आप कहीं से काटेंगे तो ये एक जैसा नहीं होगा। बाइलेटरल मतलब जैसे हम बाइलेटरल होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है, इसको बीच में से काटेंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट से एक सेगमेंट से आप काटेंगे तो ये हमारा बराबर हिस्सों में, सेम हिस्सों में होगा, तो ये हमारा एक बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल मतलब आप कहीं से भी उसको हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्री वो होती है। लाइक एक बॉल हो गई हमारी गोल, उसको हम कहीं से भी काटें, कहीं से भी, कितने भी प्लेन्स उसके बीच में से, किसी उसके मिड पॉइंट से जितने प्लेन गुजर रहे होंगे, वो उसको दो मिड पॉइंट जरूरी है, सेगमेंट मिड पॉइंट जरूरी है, मिड पॉइंट से जितने पॉइंट्स गुजर रहे होंगे, किसी भी जो प्लेन गुजर रहा होगा वो सब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी रेडियल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिर्फ एक प्लेन पास हो, सिर्फ एक प्लेन पास हो मिड पॉइंट से जो उसको रेगुलर पार्ट में डिवाइड कर सके, वो बायलेटरल। तो रेडियल हमारी सिलेंटरनेटा और टीनोफोरा, सिलेंटरनेटा या निडेरिया या टीनोफोरा में। तो पहले में एक,
11 में से एक गए, 10, 10 में से दो गए, 8 बचते हैं, 8 में से दो हमारे। इसके बाद हम सिलोम लेवल मतलब बॉडी कैविटी लेवल पे डिवाइड करते हैं दो, तो 6 बच जाते हैं। 6 हमारे ट्रू सिलोम वाले होते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये हमारे 6 जो लास्ट के होते हैं, हमें ऑर्डर में याद करना है, आपको ट्रिक बता चुका हूँ मैं, दोबारा नहीं बताऊंगा इसमें। तो हम ये 6, 11 में से एक सेलुलर लेवल, दो हमारे रेडियल सिमिट्री के, दो हमारे बाइलेटरल सिमिट्री में विदाउट कैविटी। इसके बाद हम कैविटी की बात कर लेते हैं। कैविटी दोस्तों, सिलोम क्या होता है? सिलोम बॉडी कैविटी होती है। जो ट्रू सिलोम होता है उसमें एक पेरिटोनियम जो मीजोडर्म से डिराइव होती है, वो एक लाइनिंग होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक आपको पता ही होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर वाले, डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर। तो जो हमारी पेरिटोनियम होती है वो मीजोडर्म से डिराइव होती है, जिसमें वो उसे हम ट्रू सिलोम कहते हैं, और सूडो सिलोम कहते हैं जिसमें सिलोम होती है पर उसमें पेरिटोनियम लाइनिंग नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो हम सूडो सिलोम उसमें कह देते हैं, और ट्रू सिलोम में हमारी ट्रू सिलोम होती है विद अ लाइनिंग, प्रॉपर लाइनिंग विच इज पेरिटोनियम। तो हम इसकी बात करते हैं तीनों, विदाउट बॉडी कैविटी प्लेटीहेलमिंथिस होती है सिर्फ एक। इसके बाद फॉल्स सिलोम एस्केलमिंथिस होते हैं, फॉल्स सिलोम होती है, बाकी ट्रू सिलोम के बाकी 6 बचते हैं। इस तरीके से हमने इस डायग्राम को देख लिया, कुछ टर्म्स को समझ लिया एनिमल किंगडम के। तो मैंने आपको सिर्फ ये टेबल को आप अच्छे से याद करिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन निकाल लेंगे। लाइक अलग अलग सिलोम पूछ लिया आपसे, 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा ट्रू सिलोम है, कौन सा इनमें से एक्सेप्शन है, अलग अलग तरीके के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सेलुलर लेवल कौन सा है, ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल, बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से, सिमिट्री पे बना सकते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ फाइलम्स की और उसके एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक की। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, कल मैंने रात को एक वीडियो अपलोड करी थी, ट्रिक बनाई थी प्राइमरी सक्सेशन की, 12th क्लास इकोसिस्टम की, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। मैं एक्चुअली काफ़ी थका हुआ था जब आया था, तो मैंने जल्दबाजी में वो बनाई, मैंने उसके वर्ड्स लिख लिए, उसकी ट्रिक बनाने लगा, मैंने उसका ऑर्डर देखा ही नहीं असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए मेरे से गलती हुई थी। मैं सॉरी बोलता हूँ अगर किसी को गलत इन्फॉर्मेशन पहुँची हो, तो उसके लिए काफ़ी सॉरी है। तो आज की हम ट्रिक शुरू करते हैं। तो ये 4 एस्केलेमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा की मैं इस पार्ट में बताऊंगा, मोलास्का की मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है एस्केलेमेंथिस को हम कैसे याद करेंगे। एस्केलेमेंथिस के 3 मेन एग्जाम्पल है, एस्कैरिस, वुचीरिया एंड साइक्लोस्टोमा, इट इज राउंड वॉर्म, फिलेरिया वॉर्म एंड हुक वॉर्म। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, वूचेंस कार इन अ साइक्लोन स्टोम। तो वूचैन से वुचीरिया, स्कार, वूचैन स्कार, स्कार से साउंड आ रहा होगा स्कार को, तो उससे स्कैरिस इन ए साइक्लोन स्टॉर्म, वूचैन की कार एक साइक्लोन स्टॉर्म में फंस गई। तो ए साइक्लोन स्टॉर्म की जगह आप एन भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा ग्रामेटिकली गलत है, फिर भी हम ये लिखेंगे एन साइक्लोन स्टॉर्म। तो इससे हमें तीनों एग्जाम्पल याद हो गए एस्केलेमेंथिस के, वुचीरिया, स्कैरिस एन साइक्लोन स्टॉर्म। तो इसके बाद हम आते हैं एनालिडा पे। एनालिडी के 3 एग्जाम्पल हैं, नेरिस, नेरिस, फेरिटीमा एंड हिरुडिनेरिया। तो इसके लिए हम एक उसमें याद कर सकते हैं, नेताजी फिर हार लिए, नेताजी फिर हार लिए, मतलब नेताजी थे कोई कोई, वो फिर से हार गए। तो इसको नेरिस, फिर से फेरिटीमा, और फिर के बाद जो ई है उससे आप अर्थवॉर्म भी याद रख सकते हैं, फिर हार से हिरुडिनेरिया, और हिरुडिनेरिया का जो कॉमनली बोलते हैं हमें ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने एल से वर्ब बनाया है, लिए से लीच, ब्लड सकिंग लीच। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसके उसको। अगला आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स है हनी बी, सिल्क वर्म, लैक इंसेक्ट, मॉस्किटोज, ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकस्टा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, अपर्णा, लखनवी, ग्रीन, लहंगे में बॉम्ब लगी, एपी से एपिस, लक से लेसिफर, ग्री से ग्रीगेरियस पेस्ट, एली से लोकस्टा, एमी से मॉस्किटोज, बॉम्ब से बॉम्बैक्स, एल से लाइमलस।
तो मैंने आपने सोच रहे होंगे ग्रिगेरियस पेस्ट और लोकस्टा को क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आ सकता है कि इनमें से ग्रिगेरियस पेस्ट कौन सा है, तो आपको लोकस्टा याद रखना है, तो इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व कर लिया ताकि आपको ये याद रहे, अदरवाइज ये ग्रिगेरियस पेस्ट जो है वो लोकस्टा होता है। तो इसी तरह हम अगर हमें लिविंग लास्ट वाला लाइमुलस को याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं लिविंग लाइम किंग, कोई नींबू, अब नींबू राजा है कोई, उसको याद रख सकते हैं कि वो जियो लिविंग लाइम किंग के थ्रू याद कर सकते हैं, लिविंग फॉसिल लाइमुलस किंग क्रैब उसका कॉमन नेम, इसमें कॉमन नेम और दोनों नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोलास्का को याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि फाइलम मोलास्का की जो एग्जांपल्स है उसको कैसे याद करें। तो फाइलम मोलास्का के आपने देखे बहुत सारे एग्जांपल्स है और इसकी जो कॉमन नेम है वो काफ़ी ज़्यादा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं साइंटिफिक और कॉमन नेम दोनों से। तो जैसे इसके लिए मैंने कोई एक एक सेंटेंस नहीं बताया है, इसके कॉमन नेम याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। जैसे पाइला का एप्पल स्नेल है, तो इसका ऐसे है पिला एप्पल शरबत, पाइला एप्पल स्नेल पिला एप्पल शरबत। पिंकटड पर्ल ऑयस्टर है, तो इसको ऐसे याद करना है पिंक पर्ल ओए, पिंक पर्ल ओए, कोई पिंक पर्ल है अपने दोस्त को बता रहे हो आप, पिंक पर्ल ओए। सीपिया कटलफिश का सीपिया क्यूट से याद रखना है हमें, लॉलीगो स्क्विड का हमें लॉलीपॉप स्क्वायर है। इस तरह से वर्ड से आप कॉमन नेम और इसके दोनों वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका बनाया, अप्लीसिया का सीहर, तो अप्लीजेंट शहर, अप्लीसिया सीहर अप्लीजेंट शहर, डेंटेलियम टर्सचल डेंटिस तुषार, डेंटेलियम टर्सचल, कैप्टोप्लूरा से चीटर प्लेयर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इसके कॉमन नेम और इसके बहुत साइंटिफिक नेम को। मैंने इसकी एक नहीं बनाया ताकि आप इसके कॉमन नेम भी साथ के साथ याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।